अकबर और बीरबल की कहानी संख्या 3 बेईमान लोग। बादशाह अकबर और बीरबल एक दिन अकेले बैठे हुए किसी विषय पर बातें कर रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि हमारी प्रजा ईमानदार है। इसका जवाब बीरबल ने दिया कि जहाँ पना किसी भी राज्य में हर कोई पूरी तरह ईमानदार नहीं होता है, सारी दुनिया बेईमान है। बीरबल की यह बात बादशाह अकबर को पसंद नहीं आई। उन्होंने बीरबल से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बीरबल ने उत्तर दिया कि जहाँ पना मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आप चाहो तो अब मैं अपनी बात सिद्ध कर सकता हूँ। बीरबल का आत्मविश्वास देखकर बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, जाओ अपनी बात साबित करो और दिखाओ। बादशाह अकबर की इजाज़त पाकर बीरबल पूरी जनता की बेईमानी को बाहर निकालने की तरकीबें सोचने लगे। उसने मन ही मन सोचा कि लोग खुले आम बेईमानी नहीं करते हैं, इसलिए कुछ अलग करना होगा। सब कुछ सोचने के बाद बीरबल ने पूरे राज्य में घोषणा की कि बादशाह अकबर एक बड़ा भोज आयोजित करना चाहते हैं। इसके लिए वह चाहते हैं कि सभी लोग इसमें अपना योगदान दें। आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस बर्तन के ढेर सारा दूध डाल दें। जनता के तरफ से इतना योगदान काफ़ी है। इसमें इसकी घोषणा करने के बाद एक दो बड़े मटके अलग अलग जगहों पर रख दिए गए। उसके बाद सभी गांव वालों ने सोचा कि बाकी लोग तो दूध डालेंगे, लेकिन मैं क्यों दूध बर्बाद करूं? मैं तो पानी डाल दूंगा। इतने सारे दूध में पानी किसी को समझ में नहीं आएगा। यानी सबके मन में यही था कि सामने वाले ने दूध डाला होगा। अगर मैं पानी या दूध में पानी मिला दूँ तो क्या होगा? शाम तक वह बर्तन भर गया। बीरबल, बादशाह अकबर और कुछ रसोइयों को अपने साथ उन जगहों पर ले गए जहां बर्तन रखे गए थे। बादशाह जिस किसी भी बर्तन में देखते उन्हें दूध नहीं केवल पानी ही नज़र आता था। इसलिए रसोइयों ने भी कहा कि साहब, यह दूध नहीं है, इन सभी बर्तनों में पानी है। यह सब देखकर बादशाह अकबर हैरान रह गए। उनके मन में ऐसा हुआ कि मैं सबको ईमानदार समझता था, लेकिन बीरबल की बात सच निकली। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं हकीकत समझ गया। यह कहकर बादशाह बीरबल और सभी लोगों के साथ महल में लौट गए। सीख, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।